नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। मनोज बाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है सिनेमा घरों और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दोनों ही जगहों पर रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को ऑडियंस का काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और साथ ही बेशुमार प्यार मिला है। दरअसल मिले भी क्यों ना, फिल्म की कहानी से लेकर उसके अंदर अलग अलग रोल निभाने वालों तक ना अपने काम को सभी लोगों ने बखूबी समझा है बल्कि पर्दे पर उतनी ही खूबसूरती के साथ उतारा भी है और कह सकते हैं सिंसियरिटी के साथ उतारा है, जिसके चलते इस फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है। ऐसे में मनोज बाजपेयी ने अब ANI से बात की है और औरतों की सुरक्षा, पढ़ाई और साथ ही उनके अधिकारों जैसे गंभीर और साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की है। उन्होंने औरतों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि किसी भी देश के अंदर औरतों की सुरक्षा का मुद्दा सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए, किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, ये देखना और इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर औरतें सुरक्षित रहेंगी तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में एक औरत पढ़ती है तो आपके आने वाली पीढ़ियां जो कि हैं सुरक्षित भी हो जाती हैं और साथ ही एजुकेटेड भी हो जाती हैं। आप भी सुनिए मनोज बाजपेयी का ये इंटरव्यू। औरतें जो हैं आज आधुनिक युग में पुरुषों से कदम अलग मिला के चल रही है और कोई भी आदमी किसी भी तरीके से हम उसको कैसे उनपे कोई अत्याचार करने दे सकते हैं, क्योंकि औरतें न सिर्फ आज अपने समाज में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं बल्कि उनका स्थान हमारे अपने समाज में, हमारे हिंदुस्तान के समाज में बड़ा सर्वोपरि रहा है प्राचीन काल से। और अगर औरतें सुरक्षित रहेंगी तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में एक लड़की पढ़ती है तो आगे आने वाले समय में पूरा का पूरा आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुरक्षित हो जाती हैं और वो एजुकेटेड हो जाती हैं अगर एक औरत पढ़ लेती है। तो औरतों का इतना बड़ा योगदान है न सिर्फ सृष्टि की रचना में बल्कि हमारे अपने जीवन में, तो उनको बचाना हमारा धर्म है। मनोज जी, आपको ट्रेंडसेटर भी कहा जाता है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिल्म पहले OTT पे रिलीज होके अब सुना है आप थिएटर पे भी जा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा होता रहा था थिएटर पे आने के बाद पिक्चर OTT पे आती, इसके बारे में आप क्या कहें? बहुत बड़ी घटना है, एक ऐतिहासिक घटना हुई है ये कि OTT के बाद लोगों के डिमांड पर कुछ एक थिएटर में हमने बंदा को रिलीज किया है ताकि अगर कोई देखना चाहे वापस से बड़े स्क्रीन का अनुभव लेना चाहे बंदा का तो वो जाकर के देख सकता है। कुछ एक दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, इंदौर में, राजस्थान में, इन जगहों पे वो जाकर देखे कि बंदा कहाँ लगी है और अगर उनको बड़े स्क्रीन पर बंदा का मजा लेना है तो वो जाके देख सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जो ये घटना घटी है और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है और ऑडियंस के लिए भी बहुत बहुत बड़ी बात है और ऑडियंस की बात को का इज्जत करते हुए उनके डिमांड पे हमने ये कदम उठाया है। आपके माध्यम से मैं सारे दर्शकों को कहूंगा और कुछ नहीं, आप देख चुके हैं OTT पे, कोई बात नहीं, ऐसे ही मजे के लिए चले जाइए, जाकर के हॉल में देखिए बंदा को, उसका अनुभव कुछ बेमिसाल ही होने वाला है। थैंक यू सर।